रायपुर उपखंड क्षेत्र के बर ग्राम के समीप मेगरदा में सोखड़ी नदी और लेलीली नदी में लगातार रोजाना हो रहे हादसों से वाहन चालक व ग्रामीण जन परेशानियों से घिरे हुए हैं और आए दिन हो रही नदी में घटनाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी अब इस समस्या को लेकर प्रशासन से गंभीरता को देखते हुए शीघ्र समस्या से ग्रामीणों को निजात दिलाने की मांग उठाई है। इस संबंध में बर ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती गजेंद्र कौर इंदा, उप सरपंच सुखलाल बागड़ी, पूर्व प्रतिनिधि कान सिंह इंदा ने सोखड़ी नदी में लीलिणी नदी में हो रहे रोजाना हादसों को लेकर गंभीरता जताई है और प्रशासन से शीघ्र इस समस्या को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए और गंभीरता को देखते हुए रोजाना हो रहे हादसों को लेकर शीघ्र समस्या का समाधान करने की प्रशासन से भी मांग की है। आपको बता दें कि मेघरदा ग्राम के समीप जो लीलिणी और सोखड़ी नदी है, यहाँ इस नदी में नदी के तेज वेग में रोजाना हादसे घटित हो रहे हैं और नदी में जो सीसी सड़क बनी है उस पर भी नदी बहने से फिसलन सी हो गई है, जिससे वाहन चालक जैसे इस नदी से होकर गुजरते हैं तो उनके वाहनों का संतुलन भी बिगड़ रहा है, जिससे इस नदी पर नील के जमाव की वजह से गिर पड़ते हैं और चोटिल हो जाते हैं और कई बार ग्रामीण जन इस हादसे के शिकार भी हो चुके हैं। बर से ब्रिज लाने और श्याम सैनी की रिपोर्ट, न्यूज एंड राजस्थान। ये वो तस्वीरें हैं जो न्यूज एंड राजस्थान के माध्यम से आप देख रहे हो। मेघरदा ग्राम की लीलिणी और सोखड़ी नदी के वो दृश्य हैं जहां पर नदी के तेज उफान के बीच किस कदर वाहन फंस रहे हैं और रोजाना वाहन चालकों सहित ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और किस तरह से खतरा मोल लेकर, क्योंकि दूसरा कोई और रास्ता नहीं होने की वजह से वाहन चालकों को भी मजबूरन इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है और ऐसे में नदी के तेज बहाव के चलते उनके वाहन नदी में फंस जाते हैं और कई बार नदी में वाहन बहने से हादसे भी घटित हो जाते हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो न्यूज अंडेट राजस्थान के माध्यम से, ये मेघरदा ग्राम के समीप जो लीलिणी और सोखड़ी नदी है वहां पर इन दिनों नदी के तेज बहाव के चलते, क्योंकि क्षेत्र में अभी बारिश का दौर है, बारिश के दौर के चलते नदी का उफान तेज होने की वजह से वाहन चालक भी गलती कर बैठते हैं और नदी के तेज उफान के बीच भी अपने वाहनों को इस नदी से निकालने की कोशिश करते हैं और ऐसे में वाहन चालक भी अपने वाहनों का संतुलन बिगड़ जाता है और नदी में बहने से वाहन सहित नदी में चालक भी बह जाते हैं, जिससे ग्रामीणों द्वारा कड़ी मशक्कत करके वाहन चालक हैं उनको तो बचाया जाता है, लेकिन वाहनों को फिर निकालने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें हाइड्रो या क्रेन के माध्यम से वाहनों को निकाला जाता है। और आपको ये भी बताते हैं कि इन दोनों नदियों के बीच में एक गौशाला है, गौशाला में भी जो पशु गायें जो इस गौशाला में हैं उन गायों को भी कई बार इस नदी में से होकर निकाला जाता है, तो कई बार गायों के बछड़े इस नदी में बह चुके हैं। वहीं दूसरी बात ये भी है कि जो इस नदी में सीसी सड़क बनी हुई है वो सीसी सड़क नदी के लगातार बहने से उस पर फिसलन सी हो गई और फिसलन होने से जैसे ही दोपहिया वाहन चालक या बड़ा वाहन जैसे ही इस सड़क पे होकर निकलता है तो फिसलन की वजह से वाहन के पहिए भी फिसलने लग जाते हैं और वाहनों का चालकों द्वारा संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे भी वाहन नदी में वेग के साथ बह जाता है। देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज एंड राजस्थान के माध्यम से, किस तरह से नदी में वाहन फंस जाते हैं और उन नदी में फंस रहे वाहनों को ग्रामीणों द्वारा किस कदर कड़ी मशक्कत करके उन्हें निकाला जा रहा है। इस बारे में ग्राम पंचायत के द्वारा भी प्रशासन को कई बार समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया और प्रशासन से इस बार इस समस्या की गंभीरता को दिखाते हुए अब जनप्रतिनिधि ने भी पुरजोर से मांग उठाई है कि इस नदी में दोनों जो सोखड़ी और लीली नदियां हैं उन नदियों को जो सीसी सड़क है या तो यहाँ पर पुलिया बनाए जाए, इनके नीचे जो सीसी सड़क है उनके नीचे पाइप लगाए जाए, जिससे कि लोगों को जो दर्जनों गाँव के ग्रामीण इस सड़क से जुड़े हैं उनको समस्या से निजात मिल सके और जो लगातार रोजाना हादसे घटित हो रहे हैं उनसे बचा जा सके। आपको बता दें कि शनिवार को भी करीब 3 ट्रैक्टर इस नदी के तेज बहाव में बह गए थे और एक ट्रैक्टर तो चालक की लापरवाही से ये हादसा हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि चालक बच गया, वरना बड़ा हादसा भी घटित हो सकता था, क्योंकि हम न्यूज एंड राजस्थान के माध्यम से वो लाइव भी दिखाएंगे लोग जो ट्रैक्टर चालक के द्वारा खुद लापरवाही की थी और नदी के तेज बहाव के बीच भी ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश की थी, उसी दौरान ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर देखते ही देखते किस तरह से नदी में पलट गया। देखिए न्यूज 100 राजस्थान की
वो लाइव तस्वीरें जो मेघद्रा के समीप लीलड़ी और सुकड़ी नदी की है। बरग्राम के समीप जो मेघद्रा के पास सुकड़ी और लीलड़ी नदी है, जहां पर आए दिन घटनाएं घटित होती रहती है, वहां सड़क में अभी इस समय नदी चल रही है और नदी का जो बहाव है उस बहाव में बहुत सारे ट्रैक्टर बहने की घटनाएं भी हो रही हैं। इसके अलावा जो गौशाला है उसमें भी जो गायें हैं उनके साथ में घटनाएं घटित हुई, गायें भी बह गई है। इसके अलावा जो बाइक चालक हैं उनकी घटनाएं भी घटित हुई है और जो नदी में जो सड़क बनी हुई उस पर फिसलन भी हो रही है। तो इसको लेकर आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आपके कार्यकाल में क्या प्रयास किए गए? बर के रेल मंगला में दो नदियाँ आती है, लीलड़ी और सुकड़ी। ये रेणु वाला क्षेत्र है और हमने अपने 4.5 साल में कई बार प्रयास किए हैं। हमने प्रशासन को भी अवगत कराए हैं, PWD वालों को भी अवगत कराए हैं कि यहाँ आए दिन मतलब कुछ ना कुछ दुर्घटना होती है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में ये बनी थी, उस समय हमने ध्यान दिया नहीं, और अगर उस समय हमने समाधान किया होता और उस सड़क के नीचे नाले वाली व्यवस्था की होती, पाइप डाल दिया होता, तो ये समस्या कम होती। पर अगर हम उसके दोनों ओर बैरिकेड लगा दें तो इससे हमें बचा जा सकता है। तो मेरा यही है, अभी आपसे या प्रशासन से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि एक तो उसके नीचे पाइप वाला सिस्टम कर दें ताकि उसका पानी नीचे से चला जाए, और एक दोनों ओर बैरिकेड लगा दें ताकि अगर ऐसी कुछ दुर्घटना भी हो तो बैरिकेड से सुविधा हो जाए। और इसके साथ भी एक मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो रेल मंगला क्षेत्र है वो चारों ओर से नदी से घिरा हुआ है और हमें जो रेस्क्यू वाली सुविधा चाहिए वो हमें पाली से या दूर से मंगानी पड़ती है। अगर पंचायत को ये सारी सुविधाएं मिल जाए, रेस्क्यू वाली सारी सुविधाएं, तो हम तत्काल इस सुविधा से लोगों की, मवेशियों की और जान बचा सकते हैं। अभी जो शनिवार को जो घटना घटित हुई है सुकड़ी और लीलड़ी नदी में, जिसमें 3-4 ट्रैक्टर भी बह गए थे, तो ये घटना बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि जो घटनाएं सामने आ रही उसको देख के ऐसा अंदाजा लग रहा है इसके समाधान होना चाहिए। तो आपके स्तर पर इस जल्दी कार्रवाई करने के लिए क्या समाधान किया जाएगा? मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमें या तो उसमें पाइपलाइन बिछानी चाहिए नीचे की तरफ और दोनों तरफ बैरिकेड लगाना चाहिए। प्रशासन ने जो सुविधाएं हमें देनी थी वो रायपुर और बिराटिया खुद को दे दी है। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि उसकी या तो दोनों तरफ ये बैरिकेड लगाएं और उसको नाले वाली सुविधा कराएं, और उसकी या फिर थोड़ा सा नाले सड़क को ऊपर उठा दें ताकि उसकी फिसलन भी कम हो जाए और मतलब जो पानी है उसका बहाव नीचे से हो जाए, तो फिर आवाजाही की भी सुविधा हो जाएगी और मवेशियों की और जो गौशाला के लिए आप गायों की बोल रहे हो उनको भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी। क्या इस समस्या को लेकर ग्रामीणों द्वारा भी ग्राम पंचायत में समस्या को लेकर ग्रामीणों द्वारा ऐसे कोई शिकायत की गई, या ग्राम पंचायत के द्वारा आगे और कहाँ प्रशासन को कहाँ कहाँ पे इसकी शिकायत? इसको रायपुर तक भी उठाया है। ग्राम पंचायत में हमारी मीटिंग जब होती है तब हम आपस में भी बैठ के बात करते हैं और इसको कई बार आगे भेजा हुआ है प्रस्ताव में, मतलब कि हमारे पास ये समस्या है, पर प्रशासन नहीं तो इसकी ओर ध्यान दे रहा है और नई अधिकारी इसकी ओर को ध्यान दे रहा है। तो क्या आपको लगता है वास्तविकता में ये सुकड़ी और लीलड़ी नदी इसमें बहुत गंभीर समस्या है? बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। हमेशा 2-4 हादसे ऐसे छोटे बड़े होते ही रहते हैं। या तो वहाँ पे किसी की सुविधा के लिए खड़ा किया जाए कि यहाँ भी पानी का बहाव तेज है तो आप यहाँ से ना निकलें, या फिर जो मैंने आपको सुझाव दिया उस सुझाव पर अमल किया जाए। अभी वर्तमान में वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ के हालात कैसा है? जो नदी में जो सीधी सड़क बनी है उस पर ऐसा बताया जा रहा है कि सड़क में फिसलन हो रही है, तो वहाँ बाइक चालकों का निकलना भी मुश्किल हो रहा था, क्या वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि उसमें काई वगैरह की काफ़ी जमा हो गया है और पानी का जिससे बहाव तेज हो रहा जाता है उसमें फिसलन की ज़्यादा समस्या आ रही है। तो बहुत ज़्यादा व्हीकल वालों को ये समस्या हो रही है और उसके साथ हो रही है, व्हीकल वाला चाहे ट्रैक्टर हो, गाड़ी हो, कुछ भी, उनकी समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है। और ये एक रास्ता भी मेन रास्ता कह सकते हैं इसको, यहाँ से आवाजाही ज़्यादा है। हमारे सुकड़ी नदी गाँव रेल मगरा में है, जो मैं ग्राम पंचायत में आती है बर में, एक सुकड़ी नदी की और लीलड़ी नदी दो नदियाँ चलती है। एक रेवेन्यू गांव ऐसा टापू के बीच में आया हुआ है। आए दिन बारिश जैसे स्टार्ट हुई है, अब की बार तो जिस दिन बारिश स्टार्ट हुई है उस दिन से हर बारिश के दिन घटनाएं घटती जा रही है, मगर घोर लापरवाही प्रशासन की इसमें सामने आ रही है कि कोई तरह का वहाँ व्यवस्था नहीं है। जैसे कल ट्रैक्टर बहना, गायें बहना, आदमी बहने, 4-5 घटना घट जाती है और प्रशासन उसके और ध्यान भी नहीं दे रहा है, ये बड़ी दुखी पीड़ा है। हमारा आमजन से निवेदन है कि वह स्थिति से निकले, हमारे जो मेघड़ा ग्राम है सुकड़ी नदी और लीलड़ी नदी है उसमें गंभीर अवस्था है और वहाँ निकलने से थोड़ा संभल कर निकले। अब कल एक ट्रैक्टर पलटिंग आ गया था जो भगवान उनको बचाया,
और नीचे आ जाता वो भी मर जाता बेचारा। और एक दूसरा ट्रैक्टर बाल बाल बचा है, उन्होंने भी ग्रामीण की सुविधा से रस्से से किसी से या किसी जैसी भी से निकाल कर उसी को निकाला। और वैसे एक ट्रैक्टर पर सो हमारा सोखड़ी नदी इस लेली नदी में जो शिवजी दूड़ी के पास, वहाँ भी एक ट्रैक्टर बाल बाल बचा है, वहाँ भी बड़ा हादसा हो जाता है लेकिन भगवान उन्होंने बचाया है। और या नज़दीक में गौशाला है, गौशाला के छोटे बछड़े हैं वो भी पहले अगली बार बारिश में बछड़े बह बह के गए तो ग्रामीणों की सुविधा से उनको निकाला बाहर। तो यहाँ बड़ी समस्या है, यहाँ कोई नाले बड़ा नाला लगवा के या दोनों साइड में पाइप वगैरह ऐसी कोई जगह के इसमें सुविधा करो।